नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां मंडी के अंदर लगातार गेहूं की जो अराइवल हो रही है उसके बारे में जानने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ में यहां मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी भी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज मंडी के अंदर गेहूं की कितनी अराइवल है और मंडी के अंदर गेहूं के क्या भाव है। सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है सर। बताइए, आज मंडी के अंदर गेहूं की कितनी अराइवल है, क्या भाव है? मार्केट टाइम टीवी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो पूरे देश में मंडियों के भाव की जानकारी देता है। और वर्तमान में हमारे अलवर कृषि उपज मंडी में गेहूं के जो आमद है, वर्तमान में आमद 15 से 20 हजार कट्टों की है। और हर वर्ष की अपेक्षा आमद जितनी होती है उसके मुकाबले ज्यादा नहीं है। वर्तमान में जो भाव है 340-50 रुपए के भाव से लेकर 2500 रुपए तक के गेहूं के भाव है, जबकि गवर्नमेंट के समर्थन मूल्य का भाव 2400 रुपया है। 2400 रुपया समर्थन मूल्य पर किसान न तोड़कर मंडियों में 2340-50, 2330 में बेचने के लिए तैयार है। और वो मंडियों में चूंकि सुविधाएं मिलती है, चाहे वो भुगतान की हो, तुलाई की हो, उसका समय बचता हो, तो मंडियों में वो गेहूं भरपूर मात्रा में लेकर आ रहा है। तो मंडी के अंदर जो अराइवल है वो अभी कम क्यों, किस कारण से हो पाई है? गेहूं की अराइवल का जो समय है वो मैं समझता हूँ कि 1.5-2 महीने से जो आमद चल रही है, इन दिनों पर जैसे जैसे आगे समय आ जाएगा गेहूं की आमद कम होती चली जाएगी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? गेहूं हमेशा किसान खेत में से काट कर उसको साफ कर सीधा मंडी में लाता है और वो अपने गोदामों में नहीं भरता। अन्य जिन्स चाहे सरसों हो, चना हो, वो गोदामों में भेज कर फिर उसके बाद मंडियों में अपनी सुविधा अनुसार लाता है। गेहूं एक ऐसा आइटम है, गेहूं जो मंडियों में सीधा खेतों से खलिहान से आता है, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे MP का हो, UP का हो, सीधा खलिहान से मंडियों में किसान लाता है। अभी अगर अपन MSP की बात करें तो क्या MSP? 2400 रुपया बोनस देने के बावजूद राजस्थान में 2400 रुपये के भाव है समर्थन मूल्य पर, अन्य मंडियों में 2200, अन्य राज्यों में 2275 रुपये के भाव है। अब की बार जो अब आप बात करें तो पूरे आल ओवर उसमें मंडी में कितने गेहूं की आवक होगी पूरे देश प्रदेश में? जोड़ तो मैं आपको कृषि विभाग के से आपको पूरा एक्यूरेट मिलेगा, लेकिन फिर भी हर वर्ष की जो की तुलनात्मक गेहूं वैसा ही आया, ज्यादा नहीं आया। पिछले साल कितनी थी कुछ आइडिया? इन दिनों में जैसा आता था उसी तरह से इस बार भी गेहूं आया। तो अभी किस तरह की क्वालिटी का गेहूं की क्वालिटी पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी है। और जो ग्रेडिंग वाला जो गेहूं, ग्रेडिंग गेहूं भी बढ़िया क्वालिटी होने की वजह से गेहूं की ग्रेडिंग का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। जी, हमारे साथ में मौजूद थे मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी। उन्होंने हमको यह गेहूं के बारे में पूरे विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे पहले जैसी आवक थी गेहूं की, अब आवक कम हो रही है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि मंडी में जो गेहूं के भाव है वो कम है। आगे मंडी में गेहूं के जो भाव है वो बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद नजर आएगी। नितिन शर्मा, अलवर।